हेलो फ्रेंड्स, स्वराज स्वीट डिलाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए मोदक की एक स्पेशल रेसिपी ले आई हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कलरफुल मोदक, और हाँ, हमने ये बनाए हैं एक ही मिक्सचर में से। फाइन वन मोदक हमने बनाए हैं एक ही मिक्सचर में से। हमने 5 अलग अलग फ्लेवर्स बनाए हैं मोदक के, और बहुत आसान रेसिपी है। बिल्कुल 10 मिनट में आपके ये मोदक बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलो शुरू करें ये आसान सी रेसिपी। और रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, और सबसे पहले इस पैन में मैं 1 कप मिल्क पाउडर डालूंगी। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप दूध, और इसको हम मिक्स करेंगे। मैंने इसे गैस पे नहीं चढ़ाया है अभी तक, हम ऐसे ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने खोआ कैसे बनाना है मिल्क पाउडर से, उसकी रेसिपी अपलोड कर ली है पहले ही, तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वो आप एक बार चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने और 1/4 कप दूध लिया है, तो टोटल हमने इसमें 1/2 कप दूध डाला है, और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप घी। घी डाल के भी हम इसे दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, जो गैस की आंच है हमें धीमी ही रखनी है, और धीमी आंच पे ही हमें इसे पकाना है। लगातार हम ऐसे चलाएंगे, थोड़ी देर में ये जो मिक्सचर है थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और खोआ मावा बनना चालू हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 2 से 3 मिनट में ये जो हमारा मिश्रण है वो इकट्ठा आ रहा है, और आपको इसे धीमी गैस पे ही करना है। बिल्कुल भी आंच आपको तेज नहीं करनी है, वरना ये जल सकता है और इसका टेक्सचर बाद में सही नहीं आएगा। तो ये अभी भी थोड़ा सॉफ्ट है, तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे धीमी आंच पे और 2 से 3 मिनट के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे और 2 मिनट के लिए भून लिया था, और इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल जो बाहर से हम खोआ लाते हैं बिल्कुल उसी के जैसे बन गया है ये। अगर आपको और दानेदार खोआ चाहिए तो आप इसको जितना ज़्यादा आप इसे गर्म करोगे उतना आपका जो खोआ है ड्राई हो जाएगा और थोड़ा दानेदार हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा दानेदार नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा ड्राई नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसके मोदक बनाने हैं तो हमें थोड़ा सॉफ्ट खोआ चाहिए। तो ये कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल सही है, आप देख सकते हो। तो गैस को मैं अब बंद कर दूंगी, और इस खोए को हम एक प्लेट में निकालेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया था इस खोए को, और अब ये खोआ ठंडा हो गया है, और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। जैसे जैसे ये ठंडा हो जाता है इसका जो टेक्सचर है ना बिल्कुल क्रम्बली हो जाता है, लेकिन क्रम्बली होके भी ये काफ़ी सॉफ्ट है, आप देख सकते हो। तो जितना आप ज़्यादा इसे गर्म करोगे पैन में उतना वो ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो आपको बस उसी बात का आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा भी आपको इसे गर्म नहीं करना है। फ्रेंड्स, बहुत से जन क्या करते हैं, जब आप मावे को पका रहे हो तो पैन में ही इसके साथ में ही चीनी डालते हैं, पर आज हम ऐसे नहीं करेंगे, हम अलग से चीनी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून डाली है, और ये 2 टेबल स्पून और 3 टेबलस्पून पाउडर चीनी हमने डाली है, और अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, इसमें मैंने अलग से पाउडर चीनी मिलाई है, क्योंकि हम इसमें फ्रूट क्रश यूज़ करने वाले हैं, फ्रूट फ्लेवर के हम जो मोदक बनाने वाले हैं आज, तो जो क्रश है उसमें भी चीनी होती है काफ़ी मात्रा में, इसलिए हमने ऐसे चीनी डाली है अलग से, और थोड़ी सी चीनी हमने इसमें डाली है। अगर आपको ज़्यादा स्वीट चाहिए तो आप बाद में और चीनी डाल के आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमने इसमें चीनी डाली है और अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है, और अब इस मिक्सचर के मैं 5 हिस्से करूँगी, 5 बराबर हिस्से, क्योंकि मैं आज आपको 5 फ्लेवर के मोदक बताने वाली हूँ। तो चलो इसके हम 5 हिस्से कर लेंगे बराबर। फ्रेंड्स, हमने इस मिक्सचर के 5 हिस्से कर लिए हैं, और अब मैं बता दी आपको आगे क्या करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ क्रश है जो आज हम इस मोदक के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे पाइनएप्पल का क्रश है, ऑरेंज क्रश है, ब्लैक करंट क्रश है, स्ट्रॉबेरी, और ये बटरस्कॉच क्रश है।
तो आज इनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं मोदक बनाने के लिए, और फ्रेंड्स बहुत अच्छे टेस्टी मोदक बनते हैं, तो चलो शुरू करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक पोर्शन लेंगे, और अगर आपको सिर्फ मावा मोदक बनाना है, प्लेन मावा मोदक, तो आप इससे डायरेक्ट आप बना सकते हो। और अगर आपको केसर मोदक बनाना है तो इसमें आप केसर का इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रेंड्स मैंने नीचे लिंक में मावा मोदक, केसर मावा मोदक और चॉकलेट मोदक कैसे बनाना है सेम मिक्सचर से, उसकी लिंक मैंने नीचे ऑलरेडी डाली हुई है, आप वो मोदक भी एक बार चेक कर सकते हो। तो आज हम कुछ फ्रूट फ्लेवर्स देखेंगे। तो इसमें एक चम्मच मैं डाल रही हूँ स्ट्रॉबेरी क्रश, और हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। क्योंकि ये मिक्सचर मैंने बहुत ही थोड़ा लिया है, तो इसमें क्रश भी मैंने थोड़ा सा ही डाला है, मैंने एक टीस्पून क्रश इसमें डाला है। फ्रेंड्स अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स ये जो कलर है पिंक बहुत ही लाइट है, तो इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, ये पिंक फूड कलर है, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, एक ड्रॉप से भी कम, तो वो मैं इसमें डाल दूंगी, जिससे ये जो मोदक को अच्छा पिंक कलर मिल जाएगा, और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स हमारा ये मिश्रण रेडी है, और यहाँ पे मैंने मोदक का मोल्ड लिया है, तो थोड़ा सा मैं घी इसमें लगाऊंगी और ये जो मिश्रण है ये हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। धीरे से मैं इसे खोलूंगी और आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा ये मोदक बना है। इसी तरह से हम सारे मोदक बना लेंगे। फ्रेंड्स हमारे ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मोदक तैयार है, अब हम नेक्स्ट फ्लेवर बनाएंगे। तो मैं डो का एक पोर्शन इसमें डाल दूंगी। अब हम बनाएंगे ब्लैक करंट फ्लेवर, तो इसमें मैं डाल रही हूँ एक टीस्पून ब्लैक करंट क्रश, और कलर डालना फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप डाल सकते हो, वरना आप ऐसे ही इसे रख सकते हो। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फ्रेंड्स हमारा ये जो ब्लैक करंट का मिक्सचर है वो तैयार है, और सेम हम ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा घी हम लगा लेंगे मोल्ड में और हम इसके मोदक बना लेंगे। फ्रेंड्स हमारा ये ब्लैक करंट वाला मोदक भी तैयार है। फ्रेंड्स हमारे ब्लैक करंट मोदक भी बनके तैयार है। अब हम नेक्स्ट फ्लेवर की ओर बढ़ेंगे, हम बनाएंगे पाइनएप्पल मोदक। फ्रेंड्स इसमें भी मैं डालूंगी एक टीस्पून पाइनएप्पल क्रश, और थोड़ा सा हम येलो कलर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। फ्रेंड्स बिल्कुल थोड़ा सा हम येलो कलर डालेंगे और मैं इसे मिक्स कर लूंगी। और फ्रेंड्स अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको प्लीज ये बनाने में हेल्प ले लीजिए उनकी, उन्हें बड़ा पसंद आएगा ये कलरफुल फ्रूटी मोदक बनाने में। तो ये जो कलर है येलो वो भी हम इसमें थोड़ा मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स हमारा ये पाइनएप्पल का डो रेडी है, और पाइनएप्पल भी हम उसी तरह से बना लेंगे। फ्रेंड्स ये हमारे पाइनएप्पल फ्लेवर्ड भी तैयार है। नेक्स्ट हम बनाएंगे ऑरेंज। ऑरेंज के लिए भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे, एक टीस्पून ऑरेंज क्रश और एक बूंद ऑरेंज फूड कलर, एक बूंद से थोड़ा सा कम, और हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ऑरेंज कलर का हमारा डो तैयार है, और इसे भी हम उसी तरह से बना लेंगे। तो मैं बनाने के बाद आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स हमारे ये जो ऑरेंज फ्लेवर के मोदक है वो भी तैयार है, और नेक्स्ट लास्ट जो हमारा फ्लेवर है वो है बटरस्कॉच फ्लेवर। आप चाहो तो, और अगर आपके पास फ्रूट क्रशेस है दूसरे फ्लेवर्स के, उसके भी आप बना सकते हो। मेरे पास जो फ्रूट क्रश अवेलेबल थे उसके मैंने अभी आपको बता दिए हैं मोदक। तो ये जो आखिरी वाला हमारा हिस्सा था वो हमने ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी एक टीस्पून
बटरस्कॉच का क्रश। बटरस्कॉच का क्रश अगर आपको मार्केट में ना मिले तो आप बटरस्कॉच जो सॉस है घर पे आसानी से बना सकते हो, या कैरमल सॉस तो आप उसका भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो बटरस्कॉच के जो मोदक है उसमें और थोड़ा फ्लेवर आने के लिए ये जो बटरस्कॉच के क्रंचीज हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये बाजार में आराम से मिल जाते हैं तो उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें मैं बिल्कुल हल्का येलो कलर का इस्तेमाल करूंगी, बिल्कुल हल्का। हमें थोड़ा सा क्रीमिश कलर चाहिए, या आप चाहो तो आप इसे वाइट ही रख सकते हो। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा ये जो बटरस्कॉच का मिक्सचर है वो भी तैयार है। और बीच बीच में आप देख सकते हो ये ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं। जब आप ये मोदक खाते हो तो ये टेस्टी तो लगते हैं, लेकिन जब वो ग्रैन्यूल्स जब मुंह में आते हैं तो बहुत कमाल लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने अन्य मोदक के रेसिपीज नीचे दिए हुए हैं, उन्हें भी आप एक बार चेक कर सकते हो। इंस्टेंट मोदक, फिर उकड़ी के मोदक, और उकड़ी के मोदक में भी हमने इनोवेशन किया था, हमने फ्रूटी उकड़ी के मोदक बनाए थे फ्रूट फ्लेवर के, तो उन्हें भी आप चेक कर सकते हो। सारे डिटेल्स लिंक मैंने नीचे दी हुई है। और धीरे से हम इसे खोलेंगे और ये जो हमारा बटरस्कॉच वाला मोदक है वो भी तैयार है। और आप देख सकते हो यहाँ पे बटरस्कॉच के ग्रैन्यूल्स। फ्रेंड्स, हमारे ये 5 टाइप के मोदक तैयार है, फाइन वन। हमने एक ही मिक्सचर में से 5 अलग अलग तरीके के मोदक बनाए हैं, अलग अलग फ्लेवर्स के। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की है तो आप मुझे इसके पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। तो हम फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।